कर्ज जो 2022-23 में था वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले 14,000 करोड़ रुपया लिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो सैंक्शन करवाया था डबल इंजन की सरकार के समय, दिसंबर में हार गए वो चुनाव। उसके बाद के जो बचे हुए 3 महीने थे वो कर्ज को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, जो कि उनके समय का स्वीकृत कर्ज था जिसका हमने सदुपयोग किया। उसके बाद जो हमारी सरकार का पहला बजट आया उसमें सिर्फ अभी तक हमको 6600 करोड़ रुपए का ही कर्ज मिला है। हम भारत सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें थोड़ा और कर्ज दिया जाए ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं। पिछले साल 14,000 करोड़ करने खर्च करने के बाद हमारे पास 6600 करोड़ गया, 8,000 करोड़ कम आया, फिर भी सरकार में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी हमारी सरकार ने। यही आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम है।